बड़ी खबरें हैं आज की प्रदेश की, उनकी उनकी जानकारी आपको देंगे। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, आज हिमाचल पुलिस की जो भर्ती होनी है जिसमें 1250 पद पहली बार कांस्टेबल के उस तरह से भरे जा रहे हैं, उस भर्ती को लेकर आज हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे, क्योंकि इसकी तैयारी में जो युवा लगे हुए हैं, जो बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेरी भी थी और उनके लिए ये सूचना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आज करेंगे कि पुलिस भर्ती कब से विज्ञापन जारी हो रहा है और आवेदन कब से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने, क्योंकि अभी भी अपने कार्यालय सचिवालय नहीं गए थे, लेकिन अधिकारियों को आज भी बुलाया था और उसके बाद जो आदेश निकले हैं वो क्या क्या हैं वो आज आपको बताएंगे। अभी जो प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स को लेकर हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आया था जो अब हाल ही में उनको रिलीफ देने के लिए, उसमें क्यों सरकार दोबारा से रिव्यू में जा रही है या उसको कंटेस्ट करने जा रही है, इसके बारे में अपडेट एक आज है। और साथ में पेंशन में कटौती की बात कहां उठी है और कौन यह कह रहा है कि इस कटौती को अब ना किया जाए, ये आज की इंपॉर्टेंट अपडेट है। प्रदर्शन और शहरों में भी अलग अलग स्तर पर होते रहे हैं। अभी जो मामला है वो उसको सिर्फ इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए FIR दर्ज करने की एक जो गति है वो चल रही है, शिमला में भी हुई है, बाकी जगह हुई है, एक हमीरपुर में तो बल्कि ट्रैफिक का ही FIR कर दी है, ट्रैफिक को रोकना या ट्रैफिक को डिसरप्ट करना, कुछ इस तरह की धाराएं उसमें लगी हैं। लेकिन क्या ये मामला इस तरह से रोकने का है या फिर दूसरा तरीका है, तो वो दूसरा तरीका आज बताया विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली से लौटने के बाद। आज वो अपने हॉली लॉज में थे, मीडिया को भी बुलाया हुआ था, कई तरह की अटकलें इनको लेकर सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन इन अटकलों के बीच में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो वो दिल्ली गए थे, पहली बात तो ये कि उनको समन नहीं किया गया था, उनका दिल्ली का अपना दौरा था, जब दिल्ली दौरे पे होते हैं तो हाईकमान से वो मिलते हैं, इसीलिए वो खड़गे जी से भी मिले, वेणुगोपाल से मिले और जो प्रभारी हैं हिमाचल के शुक्ला जी उनसे भी मिले। दो बातें विक्रमादित्य सिंह ने कही, उनसे आप समझ सकते हैं कि उनके तेवर अब भी वैसे ही हैं और वो बदले नहीं हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा है उसके साथ हैं, जो वो कहते हैं उनको मानते हैं, लेकिन हिमाचल के हित भी सर्वोपरि हैं। जो 70 लाख की आबादी हिमाचल की है, उनके हित की जब बात आएगी तो उनके हित की बात वो उठाएंगे। उनके पिताजी वीरभद्र सिंह ने ये उनको एक जो सिखाया था और उस जो उन्होंने अपने पिताजी से सीखा है वो उसका पालन करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो रेड़ी फड़ी को लेकर जिनके उनके बयान को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई किसी और स्टेट से जोड़ के, मतलब यूपी से जोड़ के, ये बात अलग है कि विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडिया पे जो पोस्ट शेयर हुई थी उसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो भी था, खैर वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि उनकी बात को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जबकि रेड़ी फड़ी वालों के लिए अपनी आईडी को प्रदर्शित करना मैंडेटरी होगा, ये ऑलरेडी भारत सरकार के कानून में है और उसी को हम हिमाचल में लागू करने को लेकर 3 तारीख को जो मीटिंग है, जो कमेटी एक विधानसभा स्पीकर ने रखी है हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में, उसमें तय करेंगे और इसमें किसी के लिए नहीं है। और वो जो नाम तय करने को लेकर फैसला होगा, अपनी आईडी को सार्वजनिक करने को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, वो सभी के लिए होगा, वो किसी एक पक्ष के लिए, एक धर्म के लिए नहीं है, वो हिमाचली और नॉन हिमाचली के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। तो ये इन्होंने अपनी बात शुरू करने, अपनी बात रखने की इसमें कोशिश की, लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि CPS संजय अवस्थी ने उनको लेकर कुछ बयान दिया है कि उनको वो बात नहीं कहनी चाहिए थी और अभी उसमें डिसीजन नहीं हुआ है, तो विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह सिर्फ मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान के लिए आंसरेबल हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं, चाहे वो संवैधानिक पद पर हो चाहे असंवैधानिक पद पर हो, आप इन शब्दों को भी समझ सकते हैं। तो एक बात यह थी। दूसरी बात यह थी कि शिमला नगर निगम का जो भी प्रस्ताव वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को रिज मैदान पर स्थापित करने को लेकर था, विक्रमादित्य सिंह ने उस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान प्रदेश की जनभावना का है। एक और जहां यशवंत सिंह परमार हिमाचल के निर्माता के तौर पर याद किए जाते हैं, वहीं वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। और जिस तरह से ये प्रस्ताव पास हुआ है वो धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री का भी और जो नगर निगम का हाउस है उसका भी, कि उन्होंने जनभावनाओं को एक तरह से जो उनको सम्मान दिया। अब JOA के रिजल्ट की बात करते हैं, 939 जो सोशल मीडिया के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं और उनका यह कहना है कि राज्य सरकार से केस वहां जाने के बाद, कैबिनेट के फैसले के बाद भी रिजल्ट उनका नहीं आ रहा, क्योंकि वहां चेयरमैन नहीं है। अभी जो नए चेयरमैन लगाए गए हैं जो PCCF थे, एक्स राजीव जी, उन्होंने अभी ओथ नहीं लिया, ज्वाइन नहीं किया, तो उनका रिजल्ट रुका पड़ा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आज हमने कार्मिक विभाग से इस बारे में पता किया तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन का चार्ज अब भी डॉक्टर राजकृष्ण प्रूथी के पास है और रिजल्ट घोषित करने के ऊपर, रिजल्ट रोकने की कोई ऐसी बात नहीं है। वहां पर सेक्रेटरी के पद पर ऑलरेडी विक्रम महाजन की नियुक्ति हो गई है, दूसरे जो एडिशनल सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी, एक और जो पोस्ट चेंज हुई है वो एक और अपॉइंटमेंट हो गई है, तो रिजल्ट घोषित करने में कोई रोक नहीं है, इसके लिए चेयरमैन की ओथ का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लैरिटी भी है, तो इसका मतलब 903 और 939 का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार आपको और करने की जरूरत है। कैबिनेट में फैसले के बाद यह फाइल वापस चली गई है RCA हमीरपुर को।
लेकिन कैबिनेट सब कमेटी में जो 6 पोस्ट कोड हो गए हैं, पहले तो 5 ही थे, जिसमें सेक्रेटरी क्लर्क भी हैं, ड्राइंग मास्टर भी हैं, इस तरह के बड़े हैं, जिनमें 4 में FIR है, 5वां में नहीं है लेकिन अंडर इन्वेस्टिगेशन है। 6ठा अभी इनके साथ ऐड हो गया मार्केट सुपरवाइजर का, जिसका रिजल्ट घोषित हो चुका है लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिली, क्योंकि 5वें नंबर पर जो उमा आजाद का बेटा नितिन आजाद था उसने परीक्षा पास कर ली हुई थी रिजल्ट में, और वो उसमें आरोपी भी है, तो ये अपॉइंटमेंट इनकी नहीं हो पाई। अदरवाइज कैबिनेट में मामला गया था, 12 ये टोटल पास हुए थे, उसमें से नितिन आजाद को माइनस करके 11 की अपॉइंटमेंट देने को लेकर कैबिनेट में मामला गया था। बताया ये जा रहा है कि कैबिनेट ने इस मामले में इस फाइल को वापस कैबिनेट सब कमेटी को भेजने को कहा है, वहां से रिकमेंड होकर आएगा तब कैबिनेट में इसको लगाएंगे, ऐसा कहा गया है। आज जो कार्मिक विभाग से हमने पता किया तो अभी उनको फाइल वापस नहीं मिली थी कैबिनेट से, जब मिलेगी उसके बाद ये फाइल भेजी जाएगी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री को, क्योंकि वो जो इस कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि कैबिनेट सब कमेटी कब ये बैठक करना चाहती है। ये आएंगे 3 तारीख के आसपास शिमला, क्योंकि नवरात्रों में ही सारी चीजें अब आगे चलेंगी, और उसके बाद ये पता चलेगा कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक कब होती है। बहुत सारे युवा इसका इंतजार कर रहे हैं, हालांकि कैबिनेट सब कमेटी खुद ये इंतजार कर रही है कि विजिलेंस या कार्मिक विभाग या लॉ डिपार्टमेंट कोई तो फाइल पर लिखे, ताकि हम उस चीज से बच सकें जिसमें यह फाइल पे लिखा गया है कि जो FIR में इन्वॉल्व है उनको रद्द कर देना चाहिए। उसके बाद जो लोग मुख्यमंत्री से भी मिले हैं युवा, उनको भी सीएम ने कहा है कि अगर हमने रद्द करने होते तो पहले कर देने थे, तो सरकार रद्द तो नहीं करेगी लेकिन आगे रास्ता कैसे निकलेगा उसको लेकर कैबिनेट सब कमेटी को ही फैसला लेना है, और उनकी बैठक कब होगी इसको लेकर अब सबसे बड़ी बात है। जब शिमला आएंगे तो हम भी कोशिश करेंगे उनके ध्यान में इस मामले को लाने की, ताकि जो ये रिजल्ट फंसे हुए हैं इनके मामले में जल्दी से कोई बात हो सके। अब अगली बात है पेंशन की कटौती की। देखिए पेंशन की कटौती की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि करुणा मूलक जो लोग हैं, एसोसिएशन जो एक बनी हुई है, उनकी आज ऊना में बैठक थी। ऊना में बैठक के बाद इन्होंने मीडिया से वहां बात भी की, लेकिन इन्होंने वहां ये कह दिया वहां पर कि एक तो जो 3,000 परिवार करुणा मूलकों के जो इंतजार कर रहे हैं नौकरी के, तो वो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जैसा मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा कि 9 महीने के भीतर इनका जो एकमुश्त नौकरी है वो उनको दे दी जाएगी। हालांकि इसको भी दोबारा से इनको देखने की जरूरत है कि विधानसभा के मिनट्स में है एग्जैक्टली सीएम ने कहा क्या था, लेकिन दूसरी बात जो उसमें कही गई थी, सीएम ने यह जरूर कहा था कि दो दो चीजें तो सरकार नहीं कर पाएगी, एक की पेंशन भी दो और फिर जो दूसरी तरफ नौकरी भी दो और जो इनकम लिमिट है उसको लेकर भी देखना पड़ेगा, और जो बाकी तरह की पेंडेंसी चल रही है कोर्ट में केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, इस बारे में जजमेंट आ चुकी है, उसको भी देखना पड़ेगा। इस बीच में जो ये करुणामूलक संघ के लोग हैं, इन्होंने आज ऊना में कहा है कि जो सरकार की तरफ से बात की जा रही है कि अगर नौकरी देनी है तो ऑलरेडी जो विधवा माताएं हैं उनकी पेंशन में भी कटौती होगी, मतलब पेंशन भी काटनी पड़ेगी, तो इन्होंने 3 तरह की डिमांड आज ऊना में की। पहले तो यह है कि नौकरी के साथ माताओं की पेंशन से छेड़छाड़ बिल्कुल ना हो। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो 3 मार्च 2019 की पॉलिसी है उसी में संशोधन किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके, इसमें आय सीमा भी बढ़ानी पड़ेगी, और एक साथ ये कहा कि 22 सितंबर 2022 की जो नोटिफिकेशन है उसको सरकार इमीडिएटली विड्रॉ करे, क्योंकि उसके कारण नुकसान हो रहा है, जब तक वो नोटिफिकेशन है किसी को और नौकरी मिल ही नहीं पाएगी। ये पेंशन की कटौती की बात है। अब बात करते हैं जो पीएटी की जजमेंट रिव्यू होगी। देखिए सिंगल बेंच से हिमाचल हाई कोर्ट से प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स के फेवर में जजमेंट आई थी पिछले हफ्ते, और इसको हमने भी छापा था, हर जगह ये रिपोर्ट भी हुई है। जिस तरह से बाकी लोगों को रिलीफ मिला है सीनियोरिटी और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट का, उसी तरह से इनको भी, जैसे पीटीए के मामले में डिसीजन हो गया था उसके बाद करोड़ों रुपए वहां से निकल गए ट्रेजरी से, उसी तरह से एक ऑर्डर इनके लिए 6 साल के एरियर का एक आया था। लेकिन अभी ये फाइल शिक्षा विभाग ने लॉ को भेजी है, और लॉ को भेजी गई है इस मंशा के साथ कि सरकार इसको रिव्यू करने जा रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने, मुख्य सचिव ने डिसीजन भी लिया है कि एडवोकेट जनरल ऑफिस जो है वो 3 दिन के भीतर जो भी जजमेंट आएगी उसको जो है सरकार को रिपोर्ट करेगा जजमेंट की कॉपी के साथ, और उसके बाद पर्सनल डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो डेडलाइन तय होगी कि वो कितने कितने दिन के भीतर अपना रिव्यू, अपनी राय उस पर देंगे, ताकि सरकार ये फैसला ले सके कि उस फैसले को लागू करना है या रिव्यू में जाना है या कंटेस्ट करना है। बहुत सारी जगह आपको अलग जगह जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह से बताया जा रहा है कि सरकार जो एडवोकेट जनरल से मांगा गया वो सिर्फ लागू करने के लिए, ऐसा नहीं है। कोर्ट से जो डिसीजन आते हैं वो सारे लागू करने के लिए नहीं होते, ना ही सरकार सबको लागू करती है, उसमें आगे कंटेस्ट करना पड़ता है, उसमें आगे डिसीजन लेना पड़ता है, और इसीलिए जो ये प्रक्रिया बनाई जा रही है ये इमीडिएटली लागू करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि राज्य सरकार को कोर्ट के डिसीजन, अगर अगेंस्ट एडवर्स डिसीजन है तो उसकी जानकारी जल्दी मिल जाए, और उस पर जो फैसला होना है रिव्यू में जाने का या फिर कंटेस्ट करने का या लागू करने का, वो टाइम रहते हो जाए जो कोर्ट की रिव्यू करने के लिए टाइम होता है। हाल ही में ताज मोहम्मद और लेखराज का जो केस था उसमें राज्य सरकार की जो रिव्यू पटिशन है वो सिर्फ इस जो बेस पे जो रिजेक्ट हुई कि जो डिले है आप लेट कोर्ट आए हैं, उसी के बाद मुख्य सचिव ने ये व्यवस्था बनाई है ताकि मॉनिटरिंग जो है वो इफेक्टिव हो।
अब बात करते हैं जो सीएम ने आज अफसर बुलाए थे। देखिए मुख्यमंत्री, ये जो अभी तबीयत बिगड़ी थी उसके बाद इंप्रूवमेंट है, लेकिन दफ्तर नहीं आ रहे और ना ही जो सार्वजनिक कार्यक्रम ऑलरेडी दिए हुए थे वो भी टालने पड़े थे। उसमें एचआरटीसी का जो एक दो तारीख का कार्यक्रम था वो भी था, जो उनको बाद में शिफ्ट करना पड़ा। तो इसी तरह से आज भी, क्योंकि पिछले दो तीन दिन से अधिकारियों का लगातार जाना चला हुआ है और वो ओक ओवर जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर जाते हैं। दो तीन दिन से आप ट्रांसफरों की लिस्टें भी देख रहे हैं। एक दिन रात को 10:30 बजे 30 अधिकारियों की ट्रांसफर हुई, फिर जो मॉडिफिकेशन थी पिछले कल 5 की आ गई, आज भी 2 की हुई है। और ये जो ऑर्डर है इसमें जो एसी टू डीसी धर्मशाला में है, सौरभ जस्सल ये आईएएस हैं और 2018 बैच के हैं, इनको अब शिमला बुलाया गया है और इनको फाइनेंस और अर्बन डेवलपमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी लगाया गया है। और इनकी जगह जो विनय कुमार है यहां पे, जो अर्बन डेवलपमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी हैं और फाइनेंस का एडिशनल चार्ज देख रहे हैं, इनको धर्मशाला भेजा गया है एसी टू डीसी पद पर। और इनके पास जो स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर कैंप एट धर्मशाला, क्योंकि वहां भी जो एक वो है मिनी सेक्रेटेरिएट है रादर, क्योंकि वहां पर जो विंटर कैपिटल वीरभद्र सिंह ने बना दिया था, तो वहां ये चार्ज उनके पास रहेगा। तो ये दो बातें आज की हैं। अब बात करते हैं पुलिस भर्ती की। बड़े सारे युवा इसका इंतजार कर रहे हैं, सूचना का भी। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि लोक सेवा आयोग को जब फाइल गई थी तो उसमें एक चीज बची थी कि इस भर्ती के लिए एनआईसी ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका ट्रायल चल रहा था। सॉफ्टवेयर का ट्रायल कंप्लीट हो गया, लेकिन अब जो बात फंसी हुई है वो ये कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इसको कांस्टेबल भर्ती के बजाय इसका जो नॉमिनक्लेचर है वो कमांडो फोर्स, जो है ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करने के लिए, वो कमांडो फोर्स का नाम इसको दिया जाए। पोस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जिस तरह की कैडर है वैसा ही रहेगा, भर्ती की प्रक्रिया सेम रहेगी, लेकिन जो नाम होगा, नॉमिनक्लेचर होगा, उसको कमांडो फोर्स जो है उसमें लिया जाएगा बजाय की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के। अब पिछले हफ्ते जो पीएचक्यू ने, डीजीपी ने इस फाइल को वापस मांगा था पब्लिक सर्विस कमीशन से नॉमिनक्लेचर को चेंज करने के लिए, और यह कहा है कि 2 दिन के भीतर यह फाइल वापस मिल जाएगी। बात भी अच्छी है क्योंकि नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं और अगले 1-2 दिन में आप ये कहिए कि पहले या दूसरे नवरात्र को लोक सेवा आयोग पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को विज्ञापित करने जा रहा है। आप तैयारी करिए जो लोग भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, और उसमें 1250 के आसपास ये पद आएंगे। 30% आरक्षण में जो मुझे लगता है 30 किया था, 25 से शायद उसमें, आप एक बार उसको देख भी लें, लेकिन महिला का आरक्षण ज्यादा होगा। जो 1 साल की एज लिमिट में छूट दी है वो भी होगी। पहली बार इसमें जो टेस्ट है वो अलग से रखा गया है ताकि ये भी पता किया जा सके कि ड्रग नार्को टेस्ट जैसी चीज इसमें बीच में होगी एक, तो ड्रग अब यूज के लिए बनना है तो एटलीस्ट ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि जिसको भर्ती कर रहे हैं वही चिट्टे का आदि तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर यह भर्ती की प्रक्रिया आगे रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि भर्ती जल्दी शुरू होने वाली है क्योंकि पीएचक्यू ने नॉमिनक्लेचर चेंज करने को लेकर थोड़ा सा टाइम मांगा था, वो टाइम कंप्लीट हो गया है और अब लोक सेवा आयोग इसको विज्ञापित करने जा रहा है। जिसको भी इस भर्ती के लिए इंतजार है वो उस तरह से तैयारी कर ले। आज आप लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।